अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी पंजाब अमृतसर की पावन पवित्र धरती सचखंड श्री दरबार साहब श्री अकाल तख्त के नज़दीक एक मोची बाजार वजदा है, बिल्कुल नज़दीक है। इत्थे एक गेस्ट हाउस बनाया है, वो इत्थे घर का परिवारक का मैंबर माता सतपाल कौर है। उन्होंने अपने घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करके बहुत ज़्यादा निरादर किया है। किवें जो असीं आए हाँ आण के धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करने वास्ते कहा, तो थले जिहड़ा एक बिठाया ही गेस्ट हाउस का मालकां दा, मैं ठेके ते लिया आया वा, उन्हें कहता माता घर नहीं है, वो दिल्ली गए हुए ने, कल नूं आ जाओ। नहीं आखिया अं इदा नहीं जाना। जो एस एच ओ कतवाली नूं फोन लाया तो उस वेले उन्हें कहा आओ तुहानूं मिला दईए, उत्ते आए हाँ। उत्ते आण के जदों असीं धन गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन वास्ते कहा, माता ने कहा तुसीं कल नूं आयो, अज ना आयो। वो एकदम इस कमरे च वड़ी, तो भैण साडी मनजिंदर कौर मगरे असीं वी आ गए, तो धन गुरु ग्रंथ साहिब के अंग थां लमक हुंदा सन। जपजी साहब की बाणी एक बने प्रकाशित हुई सी, दूजे बने सारे अंग सन, तो ना कोई पलक लगी हुई सी। उन्हें आउंदे कोई हाथ नहीं धोते सतपाल कौर ने, उन्हें उस वेले आण के दवा दई महाराज ने सुखासन करके, तो ना कोई दूजा अपना कोई सेवा अं कहिंदा कहिंदी कि नहीं मेरे को, मैं ठीक नहीं, मैं सेवा नहीं कर सकी, मैं सेवा कर देव। भैया रखा एक नाम सुमित, वो यानी कि बीड़ियाँ पीता वा, उन्हें रसोई हर अपने काम वास्ते घर की सफाई वास्ते सारा, इन्हें इस कमरे से स्टोर भी बनाया हुआ, आ सोखासन बनाया वा, सारा कट्टे ना यानी कि मिट्टी ना लिबड़िया हुआ, जो हाथ इदा मारते हैं पूरी मिट्टी निकलती है। मगरले बने अलमारियां, वो जो अपना घरेलू सारा इन्हें स्टोर बना के भांडे रखे ने। इधरले बने रजाइया तलाइया कंबल आदि होर पेटियां रखिया ने एक एक कमरे के, उधर मशीन लीड़े सीन वाली रखी है। मर्यादा दियां धजियां कित्थे उड़ रही ने, कोई हिमाचल च नहीं, उत्थे भी जरूर कई थावां ते सानू जाण दा मौका बनिया वा। दरबार साहब के नज़दीक अमृतसर की धरती जितों हुक्मनामे जारी हुंदे, मैं रो के कह रहा कि जथेदार जी केवल बयान देण तक ना रहो, तुसीं असीं तुहानूं पूरा साथ देवांगे, तुसीं सानू भावें साथ दे दिओ, असीं तुहाडे को कोई तनखाह नहीं मंगदे, तुहाडे को ते प्रोजैक्ट ही बड़ा वा, पैसा बड़ा है, तुहाडे को सेवादार ही बड़े ने। अज दरबार साहब के नज़दीक एक बार पंजाब जड़ा पंजाब वाली गली वजती है, उतों ही धन गुरु ग्रंथ साहब जी थले पौड़ियाँ के म्यानिया गुरु ग्रंथ साहब जी, अमृतसर कई जगह इदा दियां ने कि श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किए हुए ने, कोई सेवा संभाल मर्यादा च नहीं। मैं तुहाडे मीडिया राही लोगों तक यह सुनेहा लाउंदा जथेबंदी वालों कि अहीं कमर कसे किए ने, कई ने घर प्रकाश करके, उन्होंने मुंडे कई शराब पीते ने, आंडे खाते ने, बड़े साढ़े को ड्रैस आ रहे हैं, जे वो सेवा संभाल नहीं पापा के भागी ना बन, आपे ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरद्वारा साहिब सुभायमान कर दिओ, नहीं तो असीं अमृतसर की पुलिस नूं प्रशासन नूं नाल लैके उन्हां दे भांतियां कानूनियां कार्रवाइयां भी करावांगे, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी लागले गुरद्वारे सुभायमान करांगे। तो जे जथेदारां ने कोई ठोस फैसला ना लिया तो फिर असीं ठोस फैसला जरूर लवांगे। हुण प्रशासन नाल करदे आ, सिंघां नाल गुरमता करदे, भांती ते कानूनी कार्रवाई है। गुरु साहिब दे अंग भी जिहड़े आ अलग होए सन, उन्होंने अपनी मनमर्जी ने इन्होंने टेपा लाइया वा, तो श्रोमणी कमेटी वालों प्रकाशित हुए हैं, कोई ये परिवार चाइना तो नहीं लै गया, नेपाल तो नहीं लै गया, निरादर कौन करा रहे हैं? श्रोमणी कमेटी वाले कोई दे ना तो निरादर होए ना, यो दे रहे हैं इन्हों बोर्ड राज के नोट राज अगर साढ़िया वोटा ना खराब हो, कोई ना कोई फरमायश लभ लेंगे कि अकाली दल के नाल परिवार इतने ही माता कोई अमृत नहीं छकया। थले जो इन्होंने गैसट हाउस बनाया वा, उत्थे हुण शराब भी चलती हुई, जो पावन के कर्म होंगे हो गए, भाव के ये चीज़ा तो सानू उठ के जिहड़ियां सेवावां करनियां चाहीदियां सन वो ये कर नहीं रहे, तो असी चाहते हाँ कि प्रशासन इस परिवार के उत्ते कानूनी कार्रवाई भी करे, जिन्होंने घर गुरु ग्रंथ साहिब नूं सद के गुरु ग्रंथ साहिब दसां पातशाह जगदी जोधा हरिमंदर साहिब वह धन गुरु ग्रंथ साहिब जी जदों प्रकाशित हुंदे ने तो लोग मोढ़ा लाउण तों लड़दे ने, वह धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने। श्री अकाल तख्त साहिब जदों प्रकाश हुंदे ने उदों उत्थे पंज सिंघ साहब दस सिंघ साहब हुंदे ने, तो बड़े अदब सत्कार रुमाले साहब महाराज नूं वस्त्र भी लाउंदे ने, तो गुरु साहब का पूरी मर्यादा वह धन गुरु ग्रंथ साहिब जी है। ये जथेदार जरूर ध्यान देन कि वह ही धन गुरु ग्रंथ साहिब हरिमंदर साहिब जो प्रकाश हुंदे ने उदों असीं मोढ़ा लाउण तों लड़दे हाँ, वह ही धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जिन्हां दा निरादर हो रहा वा, कर रहे ने लोग घर सद के। कोई अमृतधारी परिवार नहीं हुंदा, अमृतसर तों वी कई कारवाइयां कर चुके हैं, मीडिया राहीं असीं इन्हां नूं दसना चाहुंदे हाँ कि ये साडा साथ साथ सानू दे देण ते जां साडा लैण, ते वेखो दिनां दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी फिर निजी गुरु घरां दे विच पहुंचणगे, ये वेद भी नहीं होण देवांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी किन्नू जिम्मेवार समझदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दी बेइज्जती हो रही है, एक
वेखो जी ये तो श्रोमणी कमेटी जिहड़ी प्रकाश भेटा लै के ते श्री अकाल तख्त साहिब दा पहल ते दर ते फर्ज बनता वा, एक दो मिनट का पैंडा वा श्री अकाल तख्त साहिब दा ते दो मिनट का पैंडा वा हरिमंदर साहिब दा, बिल्कुल लागे की लोड़ हो इन्हां नूं घरां च प्रकाश करन दी? तुहानूं पता लग गया पर उन्हां नूं नहीं पता, उन्हां नूं नहीं जी पता लगा जी, लगा भी होगा वा वह बस फॉर्मेलिटी पूरी करके चल जाते जिहड़े प्रचारक आउंदे ने, ते असीं फिर वह सिंघवां मजीवड़े गुरु की कृपा ना गुरु वास्ते शरीर सारा अर्पण किया वा, असी हुण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी रामसर जां लागे ही गुरु घर सुभावन करांगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी। प्रकाश हो सकिया मैं इस करके नहीं किया एक दिन तो बस जी, मेरे विआह तो पहला मेरे 75 साल च मेरा विआह होया सी, साडे वड्डियां दा वड्डियां दे बहू जी साडे तो भी वड्डियां दा उन्हां दादे बाबियां दा अंग पाटे इस तरह ने कि बहुत मेरे ख्याल पिछे डेट भी लिखी होगी उन्होंने, इन्ने साल तो आया हो। मैं तीन चार बारी कोशिश की कि नवा ले लिए, कोई सपोर्ट नहीं करता लैन, क्योंकि कहते पांच बंदे चाहिए, मैं कडली औरत, मेरा पति नहीं है, मेरा आदमी नहीं है, कोई मेरा बच्चा नहीं है, मैं किसी नौकरा नू नाल लेके नहीं चल सकती, इस करके मेरा भी शरीर नहीं ठीक रहता। हूँ मैं लास्ट भी इन्हों कहा कि तुम मेरे को नहीं सेवा हो पानी तुम लै जाओ, क्योंकि इन्होंने कहा कि असी लै जावे, लेकिन मैं सोचा शायद मैं कर पाऊंगी कि मेरे व्डिया की ज्यादा तो है, और अज भी मैं तंग करे कल भी मैं तंग करे मेरा जितों तक ख्याल है, क्योंकि देखो ये कट्टड़ है, असी कट्टड़ नहीं बन सकते जो जे ये सिख है, मेरी थिंकिंग हैगी क्योंकि असी नॉर्मल सिख है। तो बाकी मैं माफ़ी मंगती इन्हों को जो इन्हों सरदा, मैं देखो जी जे कहन के तुहाडे ते एफ आर आई करिए ये करिए, मैं किसी कोर्ट कचहरी च नहीं जा सकती, सज़ा मैनू घर देनी चाहते तो दे देन, हाँ जो मेरी घर बनती मैं फाए ला दे गोली मार देन मैं मर जाऊंगी, परसों भी कांड होया सी अज भी कर देन, बस मैं ही कहूँगी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का स्वरूप प्रकाश है, उन्होंने घर के ਉਹੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਵੀ ਇਸ ਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਉੱਧਰ ਘੁਮਾਓ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਪਾਟੇ ਪਏ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। और मैं आप जी नूं दसना चाहुंदा हाँ कि मानयोग मैनेजर सरदार सुलखन सिंह जी जिन्हां नूं फोन दे द्वारा सूचित किया गया और उन्हां दे फोन दे आधार ते दास जी और सरदार बघेल सिंह जी मैनेजर श्री दरबार साहब और समुची टीम दी ड्यूटी लगाई गई। असीं मौके पर आण करके वेख्या कि जो इत्थे सेवा संभाल ठीक ढंग दे नाल नहीं कीती जा रही, सो इस लई सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी का पावन स्वरूप गुरद्वारा रामसर साहब जी के पावन अस्थान ते सवायमान किया जाएगा और अगलेरी कार्रवाई वास्ते 71 धर्म प्रचार कमेटी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं रिपोर्ट मुहैया की जाएगी और अगला आदेश मानयोग सिंह साहब श्री अकाल तख्त साहब जी तो लैकर के इस परिवार की जो अगली बनती सेवा होगी और जो योग लफ्जां दे विच सिंह साहब जी इन्हों धार्मिक सेवा लगाएंगे वो इन्हों सत्कार दे नाल उस सेवा निभाना पवेगा। इन्हें वचन प्रवान गुरमुख प्यारे जदों मरीज जिहड़ा हुंदा वा उन्हूं केवल हॉस्पिटल पहुँचाया जाता वा जी, सिर्फ मसला इत्थे आ कि जे गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे अंग फटे आ ते केवल जिहड़ा अज साडा जिहड़ा मसला वा सांभ ते संभालदा वा गुरद्वारा श्री राम साहब विखे
संभाल की जाएगी। उलंघना मर्यादा की उलंघना कहे बेदबी नहीं कहे बेदबी एक होर चीज़ होंगी है बेदबी होंगी वो देखो कि पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह 2008 दे विच आया अज कितनी चलती पई है जी 2022 अनजाण पुरख जिहड़ा वा जदों प्रकाशमन करदा वा उहदे कोलों अक्सर ही जिहड़ा वा ये कार्ज हो जांदा जिहड़े अंग पाटे उहनूं की कहवांगे स्थान है हरमंदर साहिब तों कितनी दूरी ते है सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के नज़दीक है और इन्हों हो सकता कि इस संबंध में पहला भी सुचेत किया पर बावजूद भी ये नहीं है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सुचेत नहीं किया जाता सुचेत किया जाता और फिर भी वो बावजूद भी जो कोई गलती करता है तो उन्हें गलती की सजा तो भुगतनी पवेगी कुछ ऐसिया गल् मैं अगे दस चुका कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को दास वालों रिपोर्ट दी जाएगी और सिंह साहब जी वालों अगलेरी कार्रवाई की जाएगी परचा कटना ना कटना कटवा ना कटवा वो मानजो सिंह साहब जी का है वा प्रोसैस ये मेरे ख्याल मुताबक जेकर तहानू पत्रकार वीरां मैं मान लो दे भी देना ताड़े अदब सत्कार दे सहत जे तुसी कोई हल कर सकते हो तो ठीक है तो जेकर मेरे तो तुसी रहन दिओ तां जो कि मैं अपने दफ्तर नू रिपोर्ट देवांगा सानू तो पता लग गया तुसी माड़ा जिहा कर दिंदे प्लीज़ तो वधिया हो जाणा सी सवाल का जवाब दे चुका कि सेवा संभाल सही तरीके दे नाल नहीं कीती जा रही सी तां करके ही ते गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब विखे सवाईमान करवावांगे इस बीच तुहानू पहला पता सीगा कि सत्कार कमेटी ने जाणू कराया सरदार परमजीत सिंह जी गलियारा दे विच प्रशासन दे तौर ते ड्यूटी निभांदे आ उन्हां दे नाल सत्कार कमेटी का कोई संपर्क होया उन्होंने सरदार सुलखन सिंह जी मैनेजर श्री दरबार साहिब दे नाल संपर्क किया तां जो कि आपां सारी अपनी टीम लै करके हाजिर होए सिंह साहब जी आप जी ने कहा गा बेअदबी ते मर्यादा भंग ये दो लफ्ज वक्रे वक्रे ठीक है जी धन्यवाद।